आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। अरे बैठ जाओ यार, मैं जिद्दी किस्म का आदमी शुरू नहीं करूंगा तब तक। अरे दारा 370 हटने के बाद पहली बार आया हूँ, ऐसे बोलोगे क्या? एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है ये हम समझते हैं। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अरे जोर से बोलो, करे या नहीं करे, ये मजाक उड़ाता थे। आप भी मेरे सामने बैठे हैं, ये कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता इतना ही अधिकार रखती है जितना इस देश पर मेरा अधिकार है, उतना ही आपका अधिकार है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है, अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। 70 साल तक के 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को? अरे जोर से बोलो, जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों, मोदी जी के दिल में। यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास। उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर, बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए, कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता, आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। अरे विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। मुझे कहते हैं 5 अगस्त के बाद कर्फ्यू क्यों लगाया, इंटरनेट क्यों बंद करा, कश्मीर के युवाओं को गुमराह करते हैं। मैं आज इन सबको जवाब देना चाहता हूं। आप भी मेरे सामने बैठे हैं, ये कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता इतना ही अधिकार रखती है जितना इस देश पर मेरा अधिकार है, उतना ही आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए, 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता, कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए, गोली चलानी पड़े। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है, ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं, एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है ये हम समझते हैं। उन्होंने क्या भला करा? ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नदी की है, वहां पूछिए, गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या, जरा तुलना तो कर दीजिए। कश्मीर के विकास के संकल्प की मुट्ठी बिंचिए,
और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत।